चले नाजरीन बात करते हैं बांडीपोरा से, जहां पर आज सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लश्कर ए तैयबा से वाबस्ता एक शख्स की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। 14 मरला जमीन ये प्रॉपर्टी अष्टुंगा बांडीपोरा में मौजूद है। क्या है पूरी तफसीलात आपको बताते चलो मैं कि इरफान अहमद भट्ट जो लश्कर ए तैयबा से वाबस्ता रहा था और कहीं ना कहीं आज के डेट में जेल में बंद पड़ा है, पुलिस ने आज सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी जो है सीज कर दी है अष्टिंगो बांदीपुरा में, जो 14 मरला जमीन है। और ये भी कहा गया है कि जो इरफान अहमद भट्ट का भाई जो पाकिस्तान में है, अभी मुकीम पाकिस्तान में है, 2000 में यहाँ से एक्सपेट्रेशन करके पाकिस्तान चला गया। उसी बीच अगर देखा जाए कि इरफान अहमद भट्ट जो है लश्कर के साथ वाबस्ता रहा है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी जो है FIR में मुलविस है और आज की डेट में वो जेल में बंद पड़ा है और आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। FIR नंबर 43/2022 के तहत ये प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है अष्टुंगो बांदीपुरा में। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि बांदीपुरा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह सवेरे अष्टुंगो बांदीपुरा में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जहां पर उन्होंने एक लश्कर तैयबा से वाबस्ता शख्स की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है जो 14 मरला जमीन है।